Welcome students, class 11th maths exercise 1.1, question number 2 तक मैंने किया था, अब question number 3 पर हम जा रहे हैं. question number 3 में क्या बोल रहे हैं, हमें roster form में दिखाना है, यहां पर set builder form दी गई, इसका roster form बनाना है. पहला part इसका क्या बोलता है, A is equal to x such that, इसका मतलब होता है such that, x is an integer. X integer है, लेकिन कौन कौन से integer है ये end में बताता है हमें. -3 less or equal to x और 7, ठीक है. यहां तक जो numbers आते हैं उनका हमें set बनाना है solution. देखो इसकी तरफ देखो, x such that x is an integer and -3 less or equal to, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए. -3 से लेकर 7 तक ये सेट बनाना है इसका. ए देखो किस तरह बनाएंगे हम, -3 less or equal to, ये इस इंटीजर के बराबर होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए. इक्वल टू में ये भी आता है, -3 भी आ गया, और फिर -2 भी आता है, फिर -1 भी आता है, और फिर 0. 0 भी इंटीजर है, क्यों, नेचुरल नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स. और लेकिन 7 से नीचे 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, और 6 भी आएगा, ठीक है. तो ये 7 नहीं आएगा, ये इसका सेट बन गया. इज दैट क्लियर टू यू, -3 से लेकर 7 तक इतने ही नंबर्स आते हैं, तो इनका सेट बनाना था रोस्टर फॉर्म में. अब दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट यहां पर है, x such that x is a natural number and is less than 6. b x such that x is natural number, ये natural number है, and is less than 6, and is less than 6, और ये 6 से नीचे है. बताओ कितने नेचुरल नंबर्स हैं जो 6 से नीचे हैं. 0 तो नेचुरल नंबर है नहीं, वो तो होल नंबर में आता है. इसका मतलब b का जो सेट बनेगा 1 2 3 4 5 लेस देन 6, 6 नहीं लिख सकते क्योंकि लेस देन बोला है 6 ने, इतने ही नंबर्स आते हैं तो इनका सेट बन गया. ये दूसरे क्वेश्चन का सलूशन हो गया, दूसरा पार्ट इसका. अब तीसरा पार्ट क्या है, x such that x is a 2 digit natural number such that sum of its digits is 8. तीसरा पार्ट C set x such that x is a 2-digit natural number. 2-digit natural number है, सुना, जिसमें दो ही digits होंगे. हाँ, 2-digit natural number है. Such that it is sum of digits, such that it is sum of digits. It is sum of digits is 8. तो इसका set बनाना है. C देखो. 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, उनके डिजिट्स को अगर हम सम करेंगे तो 8 आना चाहिए. देखो पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 को क्या मिलाएंगे 7 तो वो 8 बनेगा, मगर 2 ही होना चाहिए. 1 को 7 मिलाएंगे 7 तो 8 बनेगा. इसी तरह 2, अगर इसको 8 मिलाएंगे तो 9 बनेगा, इसका मतलब 2 की बारी है. 2 को क्या 7 मिलाएंगे 6, और अब 3 की बारी है, ये 2 डिजिट ही होना चाहिए, 3 5, और अब 4 की बारी है, 4 4, 1 7 2 6 3 5 4 4, इसके बाद 4 5 नहीं हो सकता है. अब देखते हैं 5 रेंज करके, 5 3 है कि ना, 6 2 7 1, और फिर लास्ट पर एक ही बचता है, 8 0, ठीक है. 0 8 नहीं लिख सकते क्योंकि 8 सिंगल नंबर है, 08 नहीं लिख सकते, 8 तो 1 डिजिट नंबर है, कंडीशन क्या बोलते हैं, 2 डिजिट नंबर. तो ये इसका सेट बन गया. हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4, वो ये फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स. देखो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ, d
D. Acres such that X is a prime number which is divisor of 60. D बोलते हैं X prime number होना चाहिए. Acres such that X is a prime number. ये prime number होना चाहिए. Which is divisor of 60. और 6 को divide भी करना चाहिए. Which is divisor of 60. ये 6 को कौन कौन चीजें डिवाइड करेंगे बाय फैक्टर थ्योरम आपको 60 के फैक्टर आते ही होंगे पहले 1 से स्टार्ट करना है 1 into 60 is equal to 60 अभी 6th का क्वेश्चन है थोड़ा बहुत आपको मैं मेमोराइज कर दूं 2 into 30 is equal to 60 और 3 into 20 is equal to 60 और फिर इसी तरह 4 into 15 is equal to 60 फिर 5 into 12 is equal to 60 फिर 6 into 10 is equal to 60 फिर देखो 7 से नहीं होगा फिर 8 से नहीं होगा है कि ना फिर 9 से नहीं होगा फिर देखते हैं 10 into 60 oops ये तो रिपीट हो गए फैक्टर रिपीट होने जा रहे हैं तो यहां पर हम कंक्लूड करेंगे अब इनमें देखने हैं ये चीजें इनके फैक्टर्स बने ये डिवाइड करते हैं देखिए इनमें सिर्फ सेट बनाना है कौन किनका जो प्राइम नंबर होंगे कौन है 2 3 5 4 तो प्राइम नंबर नहीं है प्राइम नंबर की कंडीशन आपको पता है ना कि वो भी इसका वो फर्स्ट सेकंड का सवाल है वो आपको इजी से पता है अच्छा तो डी क्या हमारा बन गया 2 प्राइम नंबर ये डिवाइजर 60 क्या और 3 ये भी और तीसरा क्या बन गया हमारे पास 2 3 5 प्राइम नंबर 2 के बाद 2 से स्टार्ट होता है ठीक है हैविंग ओनली टू डिवाइजर अच्छा ये बन गया हमारा सेट ये 6th का क्वेश्चन है थोड़ा ब्रीफ करने के लिए किसी को मत प्रॉब्लम हुई हो इसलिए अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5 ई एक सेट है वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का ट्राइगोनोमेट्री इसका सेट बनाओ इनके वर्ड्स का ये इनका सेट बनाना है अगर हम इसको सेट बनाएंगे तो पहले ये कर्वोलिनियर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे देखो टी भी आएगा इसमें हैं आर भी आएगा आई भी आएगा जी भी आएगा ओ भी आएगा एन भी आएगा एम भी आएगा मगर टी नहीं आएगा जरा क्यों क्योंकि मैंने आपको बताया सेट शुड बी वेल डिस्टिंग्विश्ड एंड वेल डिफाइंड चलो ये वेल डिफाइंड चीज है लेकिन ईच एलिमेंट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड ये टी यहां पर रिपीट होता है ये आर भी यहां पर रिपीट होता है तो इसको हम नहीं लिख सकते ई भी आएगा ट्राइगोनो एम ई बिल्कुल वाई भी आएगा जो चीज रिपीट हुई उसको हमने लिखा नहीं इसी तरह 6th पार्ट ये आप खुद कर लोगे इसमें क्या बोलते हैं इसमें बोलते हैं बेटर का जो वर्ड है BETTER इसका सेट बनाओ इसके वर्ड्स का सेट बनाओ देखो इसमें क्या लिखेंगे हम ये आपके लिए होमवर्क है बी ई एक बार टी एक बार आर एक बार ये टी दो बार आते हैं ये नहीं लिख सकते जिस तरह यहां पर हमने किया था टी टी दो बार आया था एक ही बार लिखना है बिकॉज सेट इज वेल्डिंग डिस्टिंग्विश्ड कलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स आर दो बार तो नहीं लिखा हमने ओ दो बार तो नहीं लिखा हमने इज दैट क्लियर टू यू अब इसका अच्छे से स्नैपशॉट लीजिए स्क्रीनशॉट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं हमें लिस्ट बनाना है सेट बनाना है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है ए सेट एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर ये ऑड नेचुरल नंबर ढूंढने हैं हमें फिर इनका सेट बनाना है देखो एक्स साइज दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर दैट मींस ऑड नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है 1, 3 ये 5, 7, 9, 11 ये ऑड नेचुरल नंबर बट ये इनफिनाइट सेट है ये इसका लिस्ट बन गया ठीक है अब दूसरा क्वेश्चन क्या है x such that x is an integer x is an integer condition satisfy क्या होती है इसकी दूसरे क्वेश्चन में x is an integer ये b सेट इसने दिया है यहां पर b
एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इंटीजर है, इज एन हाँ इंटीजर है, मगर ये कंडीशन माइनस वन बाई टू से लेकर एक्स से लेकर नाइन बाई टू, ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये कैसे सेटिस्फाई होगी बी, देखो माइनस वन ओवर टू, अगर आप नंबर लाइन लेंगे ना ऐसे नंबर लाइन देते आप, माइनस वन ओवर टू ये आ गया हमारा ओरिजिन, ये आ गया माइनस वन, माइनस वन ओवर टू तो इसी के साइड आएगा, फिर यहां पर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, ये चलता जाएगा और यहां से भी माइनस टू। सेट बनाओ माइनस वन बाय टू, देखिए इंटीजर है ये तो रेशनल नंबर है, माइनस वन बाय टू यहां पर है, इसके बीच में बिलोंग करता है, उससे पहले क्या इंटीजर आता है जीरो, ठीक, और फिर वन कहां तक नाइन बाय टू, अगर नाइन बाय टू देखेंगे हम, ये देखो माइनस जीरो पॉइंट फाइव से लेकर एक्स से लेकर फोर पॉइंट फाइव तक, फोर पॉइंट फाइव से नीचे होना चाहिए, माइनस जीरो पॉइंट फाइव से बड़ा होना चाहिए, तो जीरो आता है, फिर एक्स वन दूसरा इंटीजर होना चाहिए वन आता है, तीसरा टू और थ्री और फोर, लेकिन फोर पॉइंट फाइव से नीचे फाइव नहीं लिख सकते, तो ये बी इसका सेट ऐसे बन गया। अब थर्ड पार्ट क्या है, सी एक्स साइज दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर लेसर ऑर इक्वल टू फोर, एक्स स्क्वायर लेसर ऑर इक्वल टू फोर, ये मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर लेसर ऑर इक्वल टू फोर, थर्ड पार्ट इस तरह से इंटीजर दे रहा है, एक्स स्क्वायर इज लेसर ऑर इक्वल टू फोर, सी क्या सेट बनेगा बताओ ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए लेकिन लेस आर इक्वल टू फोर, अगर हम माइनस टू देंगे इसका स्क्वायर तो आएगा फोर, इसी तरह से माइनस वन लेंगे इसका स्क्वायर लेंगे वो आएगा वन, इसी तरह से जीरो का लेंगे स्क्वायर वो आएगा जीरो ये नीचे इसके आते हैं पूरे के पूरे, माइनस टू माइनस वन जीरो, और फिर वन पॉजिटिव भी आएंगे, इसी तरह वन स्क्वायर आएगा वन और टू स्क्वायर आएगा फोर, अब ये फोर के नीचे आएगा ना पूरे, इसका मतलब ये एलिमेंट इसके आएंगे माइनस टू माइनस वन जीरो वन और टू, ये पांच एलिमेंट्स हैं इसके, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, ये इसका सेट बन गया आसानी से, फोर से बाहर नहीं जाने चाहिए इसके स्क्वायर्स जितने भी नंबर हैं, ये मगर इंटीजर की बात हो रही है, इंटीजर तो ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है, इंटीजर के अलावा हम नहीं ले सकते, कुछ और फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो नहीं चलेगा वहां पर। अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर आसान है, ये खुद करोगे, इसको मैं मिटा देता हूं, ये एक्सप्लेन करने के लिए था। क्वेश्चन फोर क्या है हमारा, एस एफ फोर, देखो क्वेश्चन नंबर फोर में एक्स साइज दैट एक्स इज अ लेटर इन वर्ड रॉयल, जी एक्स साइज दैट एक्स इज अ वर्ड, एक्स साइज दैट एक्स इज अ लेटर, ये लेटर्स का बनाना है, इन अ वर्ड लॉयल, एल ओ वाई ए एल, जरा बताओ ये मैंने अभी कराया भी आपको, देखो ये लॉयल इसका सेट बनाओ, एल ठीक, ओ भी ठीक, वाई भी ठीक, ए दोबारा नहीं लिख सकते हैं, क्यों ये रिपीट होता है, ठीक है लोया आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट है, अब इसी तरह से पांचवा पार्ट, एक्सरसाइज दैट एक्स मंथ्स ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज वी, ये नॉलेज से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, एक्सरसाइज दैट एक्स हाँ इज अ मंथ, इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, किन का 31 डेज नहीं होता है जरा बताओ, देखो फरवरी 28 आता है वो भी लिखेंगे, फिर मार्च 31 आता है वो नहीं लिख सकते, नॉट हैविंग होता है ना, फरवरी मार्च नहीं याद लिख सकते, अप्रैल लिख सकते, इसी तरह मई के बाद जून, ठीक है फिर आता है सितंबर, फिर नवंबर, जुलाई भी आता है, अक्टूबर भी आता है, दिसंबर, ये 31 में आते हैं, इन चीज का सेट लिखना है तो वो आप खुद करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब
लास्ट वाला एक्साइटेड एक कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, एक्साइटेड एक जगह कॉन्सोनेंट जो के से पहले आते हैं, जो के से पहले आते हैं, ये वी आए, देखो इनका सेट बनाओ एफ का, एक सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट लोग हैं, कॉन्सोनेंट नंबर्स इंग्लिश का क्वेश्चन है, कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश, ये इंग्लिश लेटर्स की बात हो रही है, विच प्रेसिड्स के, जो के से पहले आते हैं, प्रेसिड्स के, हाँ बताओ कॉन्सोनेंट कौन कौन आते हैं, इसका एफ ऐसे बनेगा, पहले के से पहले कौन कौन आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये आते हैं के से पहले, आते हैं ना, लेकिन इनमें से उन्हीं का सेट बनाना है जो कंसोनेंट है, मतलब ए वो वोवेल है ये नहीं लिखना है, ई वो वोवेल है ये भी नहीं लिखना है, आई वो ये भी नहीं लिखना है, तो इसका कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा एफ का, तो फिर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, एफ जी एच बी सी डी एफ जी एच बी सी डी एफ जी एच, और ये लास्ट वाला क्या है हमें जे है हमारे पास, जे छोटा जे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, हाँ तो ये हमारा बन गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर फाइव में मैचिंग है, ये मिलाना है हमने, देखो वन टू थ्री सिक्स ये क्या हो सकता है, वन टू थ्री सिक्स क्या हो सकता है, ये जाहिर सी बात है इज एन वन टू थ्री सिक्स, ये तो नेचुरल नंबर है, लेकिन सिक्स से पहले इसका तो सी पार्ट आएगा, ये मैच करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नंबर फाइव जो है ना ये आप क्या करेंगे घर में करेंगे, इसी तरह मैथमेटिक्स का है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, आराम से कंपेयर कर सकते हो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये जो एक्सरसाइज 1.1 है वो खत्म हो गई, और नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 उठाएंगे, मजीद इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरा ये व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मैसेज कर सकते हो, क्योंकि आपके नंबर्स पूरे नहीं है मेरे पास, तो ये नंबर है मेरा 9622472821, इसमें आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको 11th क्लास अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 11th 12th क्लास में ऐड करूंगा, जहां पर मैं आपके क्लैरिफिकेशन दूंगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसके रिलेटेड कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, ये जो आपको पता ही है COVID-19 की वजह से ये घर में आपको सिखाना पड़ता है, तो इंटरेक्टिव क्लास नहीं है, जाहिर सी बात है किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो वहां पर क्लियर कर सकता है थ्रू चैट्स, हाँ तो ये नंबर लिख लीजिए, इसमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं ये सब स्टूडेंट्स को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, मैंने ग्रुप भी क्रिएट किया है, आइए और ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, और जो भी क्वेश्चन है वो वहाँ पर क्लैरिफाई होंगे, ताकि इंटरेक्टिव क्लासरूम है तो आपको बहुत फायदा उससे मिलेगा, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, अल्लाह हाफिज़।